हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों के स्केट किक स्कूटर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसे मैंने ऑनलाइन से मंगाया है और अगर आपको यह मॉडल जो कि टॉय जॉन ब्रांड का है और मॉडल है बेंटेन, अगर आपको ऑनलाइन से परचेज करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो यह है हमारा स्कूटर और ये 6+ ईयर बच्चों के लिए है। तो बॉक्स को इस तरफ से हम इसे उठा भी सकते हैं और ऊपर में ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसे कैसे असेंबल करते हैं। आगे वीडियो में हम असेंबल करके भी दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। बॉक्स के दूसरे साइड में इसके कुछ फोटोज़ दिए हुए हैं और इस साइड में इसके प्राइसेस लिखे हुए हैं। इसे मैंने ऑनलाइन से 1300 में परचेज किया है। तो चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन किया जाए। बॉक्स से हमारा स्कूटर बाहर आ चुका है। इसकी वेट लगभग 3 kg के आसपास है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। फ्रंट साइड में हैंडल है, पीछे की साइड में 2 व्हील्स और फ्रंट में 1 व्हील है। व्हील में भी काफ़ी अच्छी ग्रिप दी हुई है और यह काफ़ी स्ट्रांग भी दिख रहा है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। बॉक्स के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि इसे कैसे असेंबल किया जाए। तो चलिए अब हम इस स्कूटर को सबसे पहले यहाँ से स्क्रू को कुछ इस तरह से ढीला करेंगे। इसे ढीला करना काफ़ी आसान है और इसमें जो नट स्क्रू दी हुई है जो कि अटैच्ड में रहती है, हम इसे आसानी से ओपन कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसे ऊपर की ओर हम खींचेंगे तो हमारा हैंडल ऊपर आ जाएगा और आगे का हैंडल रेडी हो जाएगा। फिर हम इस स्क्रू को यहाँ से टाइट कर लेंगे। आगे की हैंडल को ऊपर नीचे एडजस्ट भी किया जा सकता है, इसे भी हम एडजस्ट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रू को यहाँ से ढीला करते हैं। स्क्रू ढीला होने से आगे का वाला पाइप बिल्कुल बाहर आ जाता है और इसके इस हिस्से में एक नेल होती है जिसमें कि स्प्रिंग रहती है और इसी नेल को हम इसी दोनों होल्स में कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। यह स्प्रिंग नुमा नेल है। तो चलिए इसे हम एडजस्ट करके दिखाते हैं। इसे हमने प्रेस किया और धीरे धीरे आगे वाले हिस्से में इसे हम डालेंगे और होल के सामने नेल को ले जाने से वहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये नेल इस होल में आ चुका है। फिर हम इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। हम चाहें तो ऊपर वाले होल में भी नेल को डाल सकते हैं। इसी तरीके से हैंडल वाले हिस्से को भी हम यहां से इसमें लॉक करेंगे। इस नेल को प्रेस करेंगे जिसमें कि स्प्रिंग लगी हुई है और फिर
होल के सामने इसे रिलीज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेल होल में आ चुका है। दूसरे साइड में भी हम इसे कर लेते हैं। हमारा स्कूटर असेंबल होके पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आपके बच्चे इस पे अब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो यह था हमारा टॉय जोन बेंटन स्केट किट स्कूटर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।